हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऊटी। ये हमारा कब का प्लानिंग था कि ऊटी से व्लॉग स्टार्ट करेंगे और ऊटी से आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ये देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात को तो जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया ना, तो बहुत खुश हूँ कल से। हम सब बहुत खुश हैं, अच्छा जगह है बाबरी। कल जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया कि कल रात के टाइम पे इतना ज़्यादा हम सब लोग टायर्ड हो गए थे कि बहुत ही जल्दी 10:30-11 बजे तक हम सब लोग सो गए थे। तो अभी सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं। मेरी नींद तो 4 बजे खुल गई थी, उसके बाद फिर मैं दोबारा सो गई थी क्योंकि इतने सुबह उठ के क्या करूँ। मेरा मन था कि सनराइज़ मैं कैप्चर करूँगी, ट्राईपॉड वगैरह मैं सब कुछ लेके आई थी कि हमारे जो इस विंडो का जो USP है ना कि बाहर का सीनिक व्यू, मैंने सोचा था कि इधर से ही सनराइज़ होने वाली थी तो मैं वो टाइम लैप्स में कैप्चर करूँगी। लेकिन ट्रस्ट मी, 4 बजे उठने के बाद देखा चारों तरफ सिर्फ अंधेरा अंधेरा है। उस टाइम पे सनराइज़ तो होगी नहीं, हिली एरिया में तो थोड़ा लेट ही होता है। फिर मैं दोबारा सो गई और एकदम मैं उठी 7 बजे। उस टाइम पे ऑलरेडी सनराइज़ हो चुकी थी। तो सौरभ कल रात को ये सिंगल बेड में सोया था और मैं और मम्मी हम दोनों ये डबल बेड में सोए थे। और सौरभ का जो खराटे हैं, कल का व्लॉग जो जिन लोगों ने देखे हैं उन लोगों को पता होगा, मैं सुबह के टाइम पे व्लॉग में वहाँ पे बता ही रही थी कि सौरभ जो खराटे लिया है, खतरनाक वाला खराटे लिया है। मम्मी भी एकदम शॉक हो गई थी कि इसको हो क्या गया है, इतना खतरनाक आवाज़ निकल रहा था ना वो नाक से, बाप रे बाप। एनीवेज, तो मैं सनराइज़ तो और कैप्चर नहीं कर पाई, वो मेरा अनफॉर्चुनेट है कि बिल्कुल हमारे खिड़की के बाहर ही सनराइज़ हो रही थी और मैंने वो कैप्चर ही नहीं कर पाई। तो अभी सुबह के टाइम पे अभी हम लोग उठ गए हैं, फ्रेश फ्रेश तो होना है, अभी तक फ्रेश नहीं हुए हैं। सौरभ भी अभी तक यहीं पे था तो उसने ना टी बोला था हम सब के लिए, बेड टी, लेकिन उसमें शुगर ऐड करने के लिए हम लोग मना किए थे। सौरभ ने बोल दिया था कि शुगर एक्स्ट्रा से देना, उसमें चाय में मिला के मत देना क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा शुगर डाल देते हैं और हम लोग शुगर बहुत ही कम खाते हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन वो इंसान ने क्या किया, चाय में ही शुगर मिला के लेके आ गया और जो कि खतरनाक लेवल का शुगर है। तो ऑब्वियस बात है चाय हम लोग पी नहीं पाए, चाय ऐसे ही पड़ा हुआ है। सौरभ जस्ट अभी कॉल किया था रिसेप्शन में कि आप लोग कुछ बात सुनते नहीं हो क्योंकि वॉशरूम में ना टॉयलेटरीज नहीं दिया है, पता है वो ना कल हम लोग इतने मतलब तुरंत चेक इन करने के बाद ही वो नोटिस नहीं किए। जब हम लोग फ्रेश होने के लिए टॉयलेट गए उस टाइम पे देख रहे हैं कि अरे टॉयलेटरीज ही नहीं है। अब टॉयलेटरीज के बिना कैसे इंसान फ्रेश होगा, है ना। कोई हैंड वॉश नहीं है, साबुन नहीं है, शैम्पू भी नहीं दिया है। थैंक गॉड कि हम लोग शैम्पू वगैरह सब कुछ लेके आए थे, लेकिन फिर भी वो तो होटल से प्रोवाइड करते हैं। तो सौरभ इन सारे चीज़ों के ऊपर कंप्लेन करने के लिए अभी गया है, अभिषेक भैया भी आए थे तो दोनों मिलके ही गए हैं कंप्लेन करने के लिए, उनके रूम में भी सेम हालत है। तो चलिए अभी ब्रश व्रश कर लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, तब तक चाय भी आ जाएगा। चाय वाय पी के आज हमारा साइट सीइंग घूमने का प्लान है तो फटाफट से रेडी होके हमें निकलना है। चलिए, सी यू। ब्लैक टी बोला था, ब्लैक टी गेटिंग रेडी सर, गेटिंग रेडी सर। अभी मैं और तमली थोड़ी देर के लिए आए हैं बाहर, थोड़ा सा सनलाइट लेने के लिए। हम सबको विटामिन डी का डिफिशियंसी है तो सब लोग मिलकर थोड़ा बाहर आए हैं, थोड़ा हमारे रिजॉर्ट के लॉबी में ही थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, थोड़ा धूप ले रहे हैं और साथ में वादियाँ देख रहे हैं। मैं उन लोगों को बोल रही थी कि अगर चाय यहाँ पे सर्व किया जाए ना तो ये वादियाँ देखते देखते चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है, और ज़्यादा चाय को एंजॉय कर पाते। लेकिन उन लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, रूम में ही लेना पड़ेगा या तो फिर आप रिसेप्शन में पी सकते हो। तो अभी आ गए हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे धूप वूप सेकने के बाद फिर रूम में जाके फ्रेश होकर रेडी हो जाएंगे। एक्चुअली उस टाइम पर मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि एकदम रेडी होकर फिर आप लोगों से मिलूँगी, फिर मैं बाहर आ गई, अभी जाऊँगी जाके रेडी होना है। हाँ, उसके बीच में ब्रेकफास्ट भी करना है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के वहाँ पर हम लोग गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा नहीं थोड़ा सा खाली हो जाए उसके बाद ही जाना है, नहीं तो फिर वो जल्दीबाजी में सर्व कर देंगे ना और वो वैसा हॉस्पिटलिटी अच्छा नहीं लगता फिर एकदम, मतलब एक के बाद एक वो लोग दे के चले जाएंगे। नहीं वैसे ना वहाँ पे बफेट ब्रेकफास्ट चल रहा है, मैंने देखा। अच्छा, हाँ बफेट चल रहा है तो दिस इज़ द गुड थिंग, लेकिन थोड़ा सा खाली हो जाए उसके बाद ही जाऊँगी, नहीं तो प्लेट, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं तो फिर प्लेट लेके ना लोगों के पीछे 10 लोगों के पीछे खड़ा होना पड़ता है, बहुत एम्बेरसिंग फील होता है मुझे। चलिए अभी चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट में क्या क्या है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी।
तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, यहाँ पे है इडली सांभर चटनी मसाला वड़ा और ये है सेवई का उपमा। और ऑमलेट अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है क्योंकि ऑमलेट तो गर्मा गर्म फ्राई करके देंगे ना, पहले से फ्राई करके नहीं रखते हैं। टेस्ट कैसा है बताओ? मस्त। और अभिषेक भैया एकदम लुकिंग डैशिंग बहुत अच्छा लग रहा है आउटफिट। सौरभ का आउटफिट भी देख लीजिए, एकदम आया है हील एरिया में लेकिन बीच साइड शर्ट उसने पहना है आज और मम्मी पहनी है एक कुर्ती और साथ में ब्लैक कलर का जीन्स, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ऑमलेट जब तक आता है तब तक फटाफट से ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं बोटानिकल गार्डन जो कि ऊटी का और एक ज़्यादा मस्ट विजिट वाला प्लेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा, हर एक साइड में सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। चढ़ गए हैं हम लोग टॉय ट्रेन में, कितना मस्त लग रहा है गाइस। इससे पहले बहुत बार टॉय ट्रेन का बस सुने ही है लेकिन कभी चढ़े नहीं है ना। अब मुझे शौक था कि जब दार्जिलिंग जाएंगे वहाँ पे जाके टॉय ट्रेन चढ़ेंगे, लेकिन चलो दार्जिलिंग से पहले ऊटी में हम लोग टॉय ट्रेन चढ़ रहे हैं। ऊटी भी दार्जिलिंग से तो कुछ हद से कम नहीं है, ऊपर से दार्जिलिंग से ऊटी का व्यू ज़्यादा अच्छा है। तो मैं घर से ना इयररिंग चेंज करना भूल गई थी, तो तमिल के बैग में एक एक्स्ट्रा इयररिंग था तो वो मैंने पहन ली। एक्चुअली ना मैं घर से इयररिंग लाना भूल ही गई हूँ, तो मैं और सौरभ हम दोनों का सीट यहाँ पे आया है, अंकल का सीट है यहाँ पे अकेला और पीछे आप देख सकते हो तमिली और आंटी है और अभिषेक भैया और मेरी मम्मी, वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब एक ही कंपार्टमेंट में ही सबका है। सो हमारा है नॉन एसी टॉय ट्रेन और D2 में हमारा कोच आया है, एक डिब्बा में सबका आ गया है ना, यही सबसे बड़ी बात है। तो ट्रेन अभी तक तो खुली नहीं है, यहाँ पे देखिए आई लव ऊटी लिखा हुआ है ना, लूटी बोलते हैं जिन्हें, मुझे आई लव लूटी आई लव ऊटी लिखा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, मैं भी मस्त मस्त पिक्चर ली हूँ। सो गाइस इंस्टाग्राम फेसबुक पेज में डेफिनेटली मुझे फॉलो करना, ठीक है? और ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? फॉलो यस। अभी अंकल आ गए हैं यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए, थोड़ा बाहर का नज़ारा कैप्चर कर रहे हैं। हमारा ट्रेन का टाइमिंग है 12:15 बजे और कुन्नूर पहुँचने में हमें एक घंटा लगेगा। अंकल एक घंटा लगभग, तो एक घंटा पूरा एक घंटा हमारा लगेगा। सो कुन्नूर पहुँच के वहाँ का व्यू आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। टॉय ट्रेन तो अभी तक खुली नहीं है, जब खुलेगी तब तो मैं सोची हूँ कि मैं खुशी से मारे कहीं उछल ना लगूँ। क्यों मज़ा अच्छा ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ना ऊटी ज़रूर आना, ठीक है? बहुत ही बजट फ्रेंडली एक ट्रिप है, चार दिन अगर आप लोग प्लान करके आते हो, 3 से 4 दिन मैक्सिमम, तो आप आराम से पूरा ऊटी घूम सकते हो। तो डेफिनेटली आना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इससे पहले क्यों नहीं लेके आए तुम मुझे, सबर का फल मीठा होता है। हाँ ये तो एक्चुअली सही है। चलिए टॉय ट्रेन छोड़ेगा, उसके बाद मैं आप लोगों से टॉय ट्रेन से नज़ारे जो है वो मैं शेयर करूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे आते हैं टॉय ट्रेन से, सारे पहाड़ों के वादियों के बीच से जाते हैं, झरना वाटरफॉल मतलब जो है वाटरफॉल के बीच से जाते हैं, टनल के बीच से जाते हैं, तो एक अलग ही एडवेंचर ये हमारा, एक थ्रिलिंग वाला बोल सकते हो ये एक जर्नी रहेगा ऊटी से कुन्नूर तक। तो आप लोगों से सब कुछ शेयर करेंगे, बने रहिए चैनल में। ये
For so long, I was living my life. Oh, so wrong. Always numb in my mind. Battled on, building scars from the knife. So far gone, I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. जर्नी था ये जर्नी अगर मैं पूरा भी कैप्चर करती ना उसके बावजूद भी वो कम पड़ जाता, मतलब क्या ही बोलूँ। ऊटी ने बहुत कुछ दिया है गाइज, बहुत कुछ दिया है। अगर मैं पूरा सब कुछ शेयर करना चाहूँगी ना मे भी कैमरा का जो स्टोरेज है वो फुल हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ का व्यू दिखाना मेरा ख़त्म नहीं होगा, ऐसा हालत है। तो अभी यहाँ पे टॉय ट्रेन खड़ी है और अभी हम लोग जाएंगे कुछ साइट सीन घूमने के लिए। सब लोग इतना ज़्यादा एंजॉय किए हैं ना, सब चिल्ला रहे हैं, जब भी टनल आ रहे, वाटरफॉल आ रहे, टी गार्डन आ रहे, सब लोग एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे। और कुछ साउथ इंडियन लोग भी थे है ना, गाना वाना गा रहे थे। बहुत मस्त लगा गाइस, बहुत एंजॉय किए। व्हाट अबाउट यू सर? यस, बहुत एंजॉय। अंकल खे बोलो तो केमन आरो बेशी मिष्टी ताले बाद एखाने नेওয়া যাবে না তাহলে চকলেট ये पूरा अभी मेल्ट होगा ना बाद में इसका पत्थर के ऊपर बटर शीट में पूरा नहीं करता ऐसा कटिंग करता है नहीं
सो अभी हम लोग आ गए हैं कुन्नूर के टी फैक्ट्री में, टी गार्डन भी है ये साथ में, टी फैक्ट्री टी गार्डन साथ में है। और देखिए हम लोग बिल्कुल टी गार्डन के बीचों बीच खड़े हैं, इतना अच्छा व्यू है ना। टी गार्डन इससे पहले भी मैं देखी थी लेकिन ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीन 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 मस्त लग रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और रेनकोट वगैरह हमारे पास है नहीं, तो हम सब ने मिलकर अपना अपना हुडी पहन लिया है ताकि बॉडी हमारा गीला ना हो, सर बरकरार रहे। अभिषेक भैया यहाँ पे अभी फोटो ले रहे हैं सबके। पता है ना टी गार्डन में सांप होता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, हाँ ज़्यादा अंदर मत जाओ। ये जो फैक्ट्री है ना, ये वाला फैक्ट्री है टी फैक्ट्री, तो वहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि चाय कैसे बनाते हैं, टी कैसे बनाते हैं, वो थोड़ा सा फटाफट देख लेंगे।